एक बच्चा जिसे उसके स्कूल से मंदबुद्धि कह के निकाल दिया गया। वह बच्चा बचपन से इतना जिज्ञासु था कि उसने एक बार किसी से पूछा कि चिड़िया उड़ कैसे लेते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि चिड़िया कीड़े खाते हैं, इस कारण वे उड़ पाते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए उस बच्चे ने अपने बगीचे से कुछ कीड़े उठाकर लाए और उन्हें पीसकर अपने दोस्तों को बिना बताए पिला दिया कि शायद वे भी चिड़ियों की तरह उड़ पाएँ। और उसकी इस सोच को देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे। और वही बच्चा अपनी पूरी लाइफ में 1093 आविष्कारों के पेटेंट को अपने नाम करने वाला अमेरिका के महान वैज्ञानिक आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जाने जाते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जस्ट जुनून, जुनून कुछ कर दिखाने का। आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के लाइफ स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में अमेरिका के मिलेन सिटी में हुआ था। एडिसन शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। इनके पिता का नाम सैमुअल ऑगडेन एडिसन और इनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट था। एडिसन अपने घर में सबसे छोटे और अपने माता पिता के 7वें संतान थे। थॉमस एडिसन भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन महज 3 महीने में ही उन्हें स्कूल से मंदबुद्धि कह के निकाल दिया गया। और इसकी वजह से एडिसन की पूरी पढ़ाई उनके घर पर ही हुई। एडिसन की माता एक टीचर थी और उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। उनकी माता ने उन्हें विषयों को खुद से सीखने की शिक्षा दी, जिसकी वजह से एडिसन ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही कई महान ग्रंथों और डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन कर लिया। 9 साल की उम्र में इनकी माता ने इन्हें प्रारंभिक विज्ञान की किताब दी, ताकि थॉमस घर पर ही विज्ञान के कुछ प्रयोग करना सीख सकें। उस किताब के अध्ययन से एडिसन ने न सिर्फ उन प्रयोगों को समझा बल्कि उसमें रुचि भी दिखाई। थॉमस को उनके स्कूल से मंदबुद्धि कह के निकाल दिया गया था, लेकिन उनके चीज़ों को ना समझ पाने का असली वजह उनका कम सुन पाना था। बचपन में उनके एक बीमारी की वजह से उनके सुनने की क्षमता कम हो गई थी, और जैसे जैसे एडिसन बड़े होते गए उनके सुनने की क्षमता और कम होती गई, और एक समय ऐसा आया जब उनके बाएं कान की सुनने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई। अपनी माँ से पढ़ाई के कारण एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु हो गए थे, जिससे वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एडिसन ने किसी से पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ लेती हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि चिड़िया कीड़े खाते हैं, इस कारण वे उड़ पाते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने बगीचों से कुछ कीड़ों को पकड़ा और उन्हें पीसकर अपने दोस्तों को बिना बताए पिला दिया कि शायद वो भी पंछियों की तरह उड़ने लगे, लेकिन वे सभी बीमार हो गए। और उनकी ऐसी सोच देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे। इसके बाद थॉमस एडिसन ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वे रेलवे के किनारे समाचार पत्र तथा टॉफियां बेचते थे, और अपनी नौकरी के बचाए हुए पैसों से धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का प्रयोगशाला भी बना लिया। अमेरिका के इस महान आविष्कारक ने अपनी पूरी लाइफ नए खोजों और नए आविष्कारों में लगा दी। एडिसन द्वारा पेटेंट कराए जाने वाला उनका पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर था, जो कि वोटिंग की प्रक्रिया में काम आता था, और इसका पेटेंट 1868 में हुआ था। लेकिन उन्हें इस आविष्कार के लिए कोई भी खरीदार नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर की खोज की, जिसे बेचने में एडिसन सफल हो गए। और इसके बाद एडिसन ने 1870 से लेकर 1876 के बीच कई अन्य आविष्कार भी किए। सन 1878 के बाद से ही एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब पर अपनी खोज शुरू किया। एडिसन ने इसके लिए 1000 से भी अधिक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने प्रयासों में लगे रहे, और जिसके परिणाम स्वरूप 21 अक्टूबर 1889 में इन्होंने अपनी इस खोज को पूरा करके लगातार 40 घंटे से अधिक बिजली से चलने वाले बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क और ऑरेंज कारखाने में अपनी ज़िंदगी के 50 सालों तक काम किया, और उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम किया। और 18 अक्टूबर 1931 को विश्व के इस महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का निधन हो गया। दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ संसार और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बदलने में लगा दी, और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार से पूरे संसार को उजाले से भर दिया। थॉमस अपनी लाइफ में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और प्रयास करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम किया। तो दोस्तों, ये थी विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के लाइफ की पूरी स्टोरी। आपको इनके लाइफ की कौन सी बात ज़्यादा प्रभावित करती है, इसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।